的好像那个水差不多气拉着吗カテナチュラルにほとんどだと思ったइन्होंने ना पुलिस ने कुछ कोई सुनवाई नहीं की ना कोई फायदा ना कोई कुछ किया जी इन्होंने बस तभी इसीलिए आज हम वहाँ पे डीसी ऑफिस पहुँचे हैं। तो क्या है पूरा मामला थोड़ा सा बताएंगे। सब उस दिन भी आपको बताया था कि मैं गाड़ी लेके गया था इनसे पैसे मांगे तो गाड़ी का काम करवाने के लिए इन्होंने फ्रॉड कर दिया पेटीएम 8000 रुपये भेजा मेरे को। पेटीएम भेजने के बाद मैंने इनको बोला कि मेरा मोबाइल छीन लिया उधर। मोबाइल छीनने के बाद ये बंदे उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। अगले दिन अपने चार पाँच आदमियों के साथ आके मेरे को मारपीट की और मेरा कुकर्म किया। आपको पहले भी बताया था मैंने मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी अम्बथाना में। तो अम्बथाना भी गए क्या आप इसके बाद? जी गए थे हम। क्या बोला गया वहाँ पे? एप्लीकेशन दी थी उनको भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हॉस्पिटल में आके तो अगर कार्रवाई नहीं करती पुलिस तो क्या अगला कदम रहेगा आपका? सर कदम कुछ नहीं रहेगा। देखो हम तो सर गरीब आदमी हैं कुछ नहीं। मैं बीवी बच्चे लेके अपने खुद ही मर जाऊंगा फिर कोई वो नहीं होगा जी हमारा अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हमारे को एक शिकायत पत्र मिला जिसमें एक व्यक्ति ऑफिस आए थे और उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है जिसमें उन्होंने ये एलिगेशन लगाए हैं कि बरेली में जब वो एक मालिक का ट्रक लेके जा रहे थे ट्रक मालिक का तो उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी उसमें दिए हैं जिन्होंने उनके साथ मारपीट की। हालांकि ये बोल रहे हैं कि वो कंसर्न पुलिस स्टेशन जो वहाँ पे बरेली का था जहाँ पे वारदात होने का ये बात कर रहे हैं वहाँ पे नहीं गए पर फिर भी इसकी एप्लीकेशन क्योंकि हमको मिली है तो इसकी जाँच हम कर रहे हैं और इसमें फर्दर जो भी वर्जन आएंगे क्या कहानी थी किस लिए मारपिटाई हुई और क्यों ये ऐसा इंसिडेंट हुआ उसकी हम इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद ये बता पाएंगे कि ये रीज़न क्या रहा इस इंसिडेंट का।